पहले जब लोग चार धाम यात्रा करने जाते थे तो एक्चुअली ये सोचकर जाते थे कि पता नहीं हम यात्रा पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो चार धाम यात्रा होती थी। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। जिस तरह की उत्तराखंड में अभी सिर्फ दो ही न्यूज़ सुनने में ज़्यादा आ रही हैं, एक तो अंकिता भंडारी के बारे में, जो भी हुआ बहुत दुखद था, लेकिन जिस तरह से अभी जांच चल रही है, न्याय की उम्मीदें हम बहुत कम के बराबर ही समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह की चारधाम की यात्रा जोरों पर अब शुरू हो गई है, शुरू तो पहले से ही थी, लेकिन सितंबर में जैसा कि एक बार बहुत तेज़ बारिश हुई, लगातार तीन दिन तक बारिश रही, 18 सितंबर को यात्रा बंद भी कर दी गई, लेकिन उसके बाद अगले दिन ही वो यात्रा खोल दी गई। हालांकि इस तरह का मौसम नहीं था कि यात्रा खुलनी चाहिए थी, लेकिन खोलनी पड़ी एक्चुअली कह सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ इतने यात्री आए हुए थे, उनको अकोमोडेट कर पाना, स्पेशली केदारनाथ धाम में, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं ही नहीं। हालांकि गुप्तकाशी में काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो लोग रास्ते में वहाँ पर फंसे हुए थे और कुछ लोग जो वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन क्योंकि मंदिर में दर्शन जब तक नहीं हो पाएंगे तो वापस नहीं आया जा सकता था, इसीलिए उनको यात्रा खोलनी पड़ी, जिसके चलते बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स नहीं चल रहे थे और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर भी नहीं सकते थे। उसकी वजह से भी काफ़ी दुर्घटनाएं हुई, क्योंकि जिन लोगों ने ऑलरेडी बुक कराए हुए थे हेलीकॉप्टर, उनकी शायद हालत इसी तरह की थी, क्योंकि वो पैदल नहीं जा सकते थे। जब वो घोड़े पर उन्होंने जाना चाहा, क्योंकि फ्लाई नहीं हो रही थी, इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई कि घोड़े वहाँ पर, मतलब हमें जो बताया गया है वहाँ पर घोड़े मरे पड़े हुए दिख रहे हैं। अब लोगों के साथ कितनी क्या घटनाएं हुई वो तो एक्चुअल सिचुएशन वहाँ जो लोग थे उन्हीं को पता चल सकता है, लेकिन हमें जितना बताया गया है वो यही, हमने अपने जो हमारे जिनके जो हमारे थ्रू गए थे वहाँ पर, उनका जो फीडबैक है वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि मेरा एक ग्रुप उस टाइम वहाँ पर था, जिन्होंने हमें जिस किसी तरह से, मतलब उन्होंने बताया कि वो वहाँ पहुँचे, क्योंकि उसमें से 8 लोग थे टोटल, 4 लोग फ्लाई करके जाने वाले थे, 4 लोग ट्रैक करके जाने वाले थे। ट्रैक वाले रात तक पहुँच गए, लेकिन फ्लाई वाले पहुँच नहीं पाए, क्योंकि फ़्लाइट ही नहीं हुई, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनको फ्लाई करना था। जब वो वहाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पहुँचे हैं, सब लोगों ने दर्शन किए हैं, तो जो स्केड्यूल था, क्योंकि उनका एक नाइट वहाँ पर उन्हें एक्सटेंड करना पड़ा, और जिसकी वजह से वो बद्रीनाथ जी लेट पहुँचे, तो कुल मिलाकर अगर हम बात कहें, उनका पूरा स्केड्यूल जो था वो सब गड़बड़ा गया। बद्रीनाथ जी में उन्हें एक नाइट जो एक्सटेंड करना था, वो रात को इतना लेट पहुँचे कि अगले दिन भी उन्हें वहाँ रुकना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें रुद्रप्रयाग का जो स्टे था वो कैंसिल करके फिर श्रीनगर आना पड़ा। उनका टोटल जो खर्चा था वो 50,000 के अराउंड एक्स्ट्रा पड़ गया। कई बार होता है ना कि जब लास्ट मिनट पे बुक करते हैं तो वैसे ही रूम्स और महंगे हो जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका कारण रहा। और भीड़ भाड़ तो देखिए है ही, और सिर्फ ये अक्टूबर मंथ रह गया है, अब सितंबर भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। जो लोग अब यात्रा करने जाने वाले हैं, जो लोग पहले से सब कुछ बुक कर चुके हैं, होटल्स बुक हैं, अगर फ़्लाइट्स बुक है, या जो गाड़ी वगैरह उन्होंने बुक करा ली है, तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक कोई बुकिंग नहीं कराई है, सोच रहे हैं कि बस छुट्टी मिलेगी तो हम चल पड़ेंगे और हम दर्शन करके आ जाएंगे, स्पेशली इन केदारनाथ, बहुत सोच समझ के जाने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जब से ये आपदा आई है, आपदा के बाद से ही, पहले भी बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन आपदा के बाद तो बिल्कुल ही, जो केदारनाथ मंदिर परिसर में जितने भी जो वहाँ पर अकोमोडेशंस हैं, बहुत बुरे हाल हैं। और जैसा कि बारिश लगातार, यहाँ तो चलो अब ऋषिकेश में नहीं है, लेकिन वहाँ तो मौसम ऐसा ही है, और केदारनाथ जी में ना एंड तक आपको यही मौसम मिलेगा, बारिश बंद हो जाएगी तो बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाएगी वहाँ, तो ठंड बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड वहाँ होती है। आपको बहुत अच्छे से पैकिंग अपनी करके ले जानी पड़ेगी, रेन कोट्स, अम्ब्रेला, शूज़ आपको कम से कम 2 पैर लेके जाने चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगी, जिन लोगों ने अभी तक प्लान नहीं किया है, वो अगर कोशिश, मैं तो यही कहूँगी कि कोशिश करें कि इस साल वो अपना प्रोग्राम ना बनाएं। बाबा के दर्शन करने कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर चले जाना, एटलीस्ट सेफली आप जाओगे। और नेक्स्ट ईयर के जो पैकेजेस होते हैं वो, क्योंकि फेब्रवरी से बुक होने शुरू हो जाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सके वो आप अपने पैकेजेस बुक कराएंगे, तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा।
पहले जब लोग चार धाम यात्रा करने जाते थे तो एक्चुअली ये सोचकर जाते थे कि पता नहीं हम यात्रा पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो चार धाम यात्रा होती थी। लेकिन अभी बीच में जिस तरह से हम सभी जानते हैं वो पिकनिक स्पॉट्स बन गए थे, लेकिन बहुत कहते हैं ना कि जब अति हो जाती है तो भगवान खुद उसका उपाय निकाल देते हैं। आपदा के बाद काफ़ी कठिनाइयां होने लगी हैं स्पेशली केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के लिए, और अभी भी ऐसा वापस से हो गया है कि जिस तरह की घटनाएं अब देखने को मिल रही हैं वहाँ पर, जो घोड़े खच्चर ऊपर जाते हैं वो स्लिप कर जाते हैं लोगों की। इवन हमने मई जून में जब ग्रुप्स भेजे थे हमें पता चला था कुछ डेथ भी हुई थी वहाँ पर, तो इसी वजह से अब वो वापस से वो वाला सीन हो गया है कि चारधाम यात्रा करने जा रहे हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा, वैसे अगर आप भारत की चारधाम यात्रा करेंगे तब तो वो भी वो आसान नहीं है, लेकिन ये उत्तराखंड की चारधाम यात्रा भी इसको आसान ना समझें, ये ना समझें कि बस हमने मूड बनाया, छुट्टी मिली और निकल लिए। पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, पूरी तैयारी के साथ आपको जाना चाहिए, तो शायद कुछ ये जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे हम बच पाएंगे। जैसा कि हमने देखा है केदारनाथ धाम में जब से ये कुछ शूट्स हुए हैं, केदारनाथ मूवी भी बनी थी, और जब से प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर जाना शुरू किया है, क्राउड दिवाली के समय बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि दिवाली के आसपास अपना प्रोग्राम ना बनाएं, क्योंकि इस बार भी वही होने वाला है दिवाली पर, क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं, सबसे ज़्यादा रश मूवमेंट वही होता है। बद्रीनाथ जी हालांकि बाद में उनके कपाट बंद होते हैं, लेकिन जो केदारनाथ जाते हैं वो फिर बद्रीनाथ जी भी जाते हैं और प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे, तो उस समय सबसे ज़्यादा क्राउड होता है और VIP मूवमेंट होती है, तो आम आदमी को रोक दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी यात्रा प्लान करें, और मैं सजेस्ट करूंगी कि दिवाली के समय थोड़ा सा अगर आप केदारनाथ जी को अवॉइड कर सकते हैं, बाबा के दर्शन आप कभी भी कर सकते हैं, और अगले साल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएंगे, क्योंकि इस बार जैसे कि 2 साल से यात्रा नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था, और क्योंकि अब सिर्फ 1 महीना बचा है क्राउड और ज़्यादा होने वाला है। छुट्टियां मिल गई हैं 2 अक्टूबर से 10 तारीख तक, तो पूरा ऋषिकेश पूरा बुक हो चुका है, तो सोचिए वहाँ पे क्या हालत होगी। इसीलिए हम आपको अपडेट देते रहते हैं, मुझे लगता है ये भी एक अपडेट आपके काम आने वाला है और आगे भी इसी तरह से अपडेट देते रहेंगे। लेकिन यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तभी आपको आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।